अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आजकल गोरे रंग का बड़ा ज़माना है, बल्कि हमेशा ही रहता है, और हर किसी को एक ही शौक होता है कि रंग गोरा हो जाए। बट गोरे रंग के लिए हम सारी हदें पार कर जाते हैं, जो मेन चीज़ है उसको भूल जाते हैं। वो क्या चीज़ है जो कि हमारे कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है या हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, हमारे कॉम्प्लेक्शन को एक फ्रेश लुक देता है? वो हमारा लिवर, जिगर है हमारा, और जिसका हम ख्याल नहीं करते। हम बेताशे इंजेक्शन लगवा रहे हैं, दवाएं खा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारा लिवर, हमारा जिगर प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए, और उसकी उसको एक प्रॉपर, अगर वीक है तो उसको टॉनिक मिलना चाहिए, जिसकी वजह से अगर आपका जिगर सही से काम कर रहा है तो आपके स्किन का कलर ख़राब नहीं होगा, आपका रंग बल्कि ग्रेजुअली बेटर होता जाएगा, स्किन बहुत फ्रेश एंड ब्राइट रहेगी। अक्सर लोगों का आपने देखा होगा कि एकदम से अगर जॉइंटिस हो गया है तो रंग झुलस जाता है, कुमला जाता है फेस, या किसी बीमारी के बाद आपका फेस बिल्कुल झुलस जाता है। और कभी कभी ऐसे लोग आपने देखे होंगे जैसे लाइक हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि उनके स्किन ऐसे लगता है जैसे बर्न हो गई, जल गई है, बिल्कुल स्याह पड़ना शुरू हो जाती है, कि उनको हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, ए है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको होता लिवर का ही मसला है। आज हम बात जो कर रहे हैं वो लिवर टॉनिक की बात कर रहे हैं। बीमारियां अपनी अलग जगह, अगर ऐसा कोई इशू है, जिगर का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपने ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपना ट्रीटमेंट कराना है। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस में कुछ सब कुछ सही होता है, लेकिन फिर भी हमारा जिगर उस तरह से काम नहीं करता है जिस तरह उसको करना चाहिए। अगर जिगर सही से काम नहीं कर रहा, आपको भूख अच्छी सी नहीं लगती है, आपका खाना प्रॉपर आप डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से आप थके हुए रहते हैं, आप कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते, आपका चेहरा, आपकी स्किन मुरझाई रहती है, आप कुछ कर लें, कुछ लगा लें, आपके चेहरे पे वो ताजगी नहीं आती। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लिवर टॉनिक। हम अपने जिगर की ताकत के लिए एक ऐसा टॉनिक बना रहे हैं जो कि बहुत ही माइल्ड है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अच्छा, इसमें डिफरेंट चीज़ें जो कि मैं आपको बताऊँगी, जो आपको ईजी लगता है, जो आप आराम से कर सकते हैं, वो इस्तेमाल कीजिए। 15 दिन में अगर आपको लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट, मतलब बेहतरी लग रही है, कुछ अच्छा है, तो उसको कंटिन्यूसली आपने 2-3 मंथ्स करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा या आपको सूट नहीं कर रहा, तो 15 डेज़ के बाद दूसरी रेमेडी के ऊपर स्विच कर जाएंगे आप। अच्छा जी, इसमें करना क्या है? सबसे पहले हमने जो है एक लेमन जूस लिया है, ये देखिए मैंने इसमें लेमन डाला हुआ है, और लेमन को स्क्वीज़ करके ये पूरा लेमन जूस निकाल के इसके अंदर मैंने अजवाइन जो है भिगो दी है। इसको भिगो के आप रख देंगे, जब ये इसको छोड़ दीजिए, जब ये ड्राई हो जाएगा, मतलब ये सारा लेमन जो है, जूस जो है, अजवाइन पी लेगी तो ये खुश्क हो जाएगा, 4-5 दिन लगेंगे। उसके बाद इस अजवाइन को आपने स्टोर कर लेना है। स्टोर करने के बाद तरीका क्या है कि एक चुटकी, जिस लाइक मैं आपको इस तरह से बताती हूँ, दिखा भी देती हूँ, बहुत ज़्यादा भरी भी नहीं, अजवाइन गर्म होती है, बस जस्ट इतनी सी अजवाइन जो है आपने, बहुत थोड़ी सी है कि अजवाइन, बस हल्की सी छोटी सी चुटकी जो है अजवाइन आपने लेके सुबह और शाम फाँकनी है सादे पानी के साथ, सुबह और शाम 2x a day आपने इस अजवाइन को खाना है जो कि आपने लेमन के अंदर भिगो के रखी थी, और वो सारा लेमन जूस जो है उसके अंदर जज्ब हो गया। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा जो है लिवर टॉनिक के लिए जो बेस्ट है, चुकंदर। चुकंदर इजीली मिल जाता है, चुकंदर को आप कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन सही तरीका चुकंदर के खाने का ये होता है कि उसको हल्का सा बॉयल कर लीजिए। जब आप बॉयल करें तो वो पानी उसके अंदर खुश्क हो जाना चाहिए, चुकंदर थोड़ा सा नरम हो जाए, उसको एज अ सैलड आप नमक काली मिर्च डाल के खाएं, वो बेस्ट आपका लिवर टॉनिक है और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाता है। जो चुकंदर खाते हैं उनके स्किन, उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, तो आप इस तरह से जब चुकंदर खाएंगे तो आपको वो बहुत फ़ायदा देगा। तीसरी चीज़ जो है, अब सीज़न भी चल रहा है, अनार, अनार बहुत सारे आए, अनार का छिलका लेना है आपने। तकरीबन आपने 1 कप पानी लिया है, उसमें अंदाजे से 1 चाय के चमचे के बराबर आपने इसमें अनार का छिलका डालना है, इसका आपने कहवा बनाना है, इसको खूब पका लीजिए, और इतना पकाएंगे कि अच्छी तरह से जोश आ जाइए और एक हिस्सा पानी कम हो जाए, और इस कहवे को दिन में 2 बार आपने पीना है। ये आपका बेस्ट लिवर टॉनिक है। अनार को जो है डिफरेंट अंदाज से हम इस्तेमाल करते हैं, दूध में डाल के भी इस्तेमाल करते हैं, उसको मिट्टी में दबा के, उसको बिल्कुल घुला के भी इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट चीज़ें जिगर की डिफरेंट बीमारियों के लिए। लेकिन लिवर टॉनिक के लिए सिर्फ अनार के छिलके का कहवा पीना है, और सिर्फ आपने छिलका लेना है, छिलका ताज़ा होना चाहिए।
सूखा हुआ छिलका फायदा नहीं पहुंचाएगा। इसका आपने कहवा बनाना है, दिन में दो बार पीना है। जिनको भूख नहीं लगती, जो बहुत तबीयत उनकी गिरी हुई रहती है, उनको हर नौजिया फील होता है, वॉमिटिंग फील होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनका रंग खराब हो रहा है वक्त के साथ, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ जो है तीसरी चीज़ है वो है आंवला जूस। आंवला जूस सीजन है, आ रहा है आंवला, फ्रेश आंवला स्टोर भी कर सकते हैं। एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम को आंवले का जूस का पीना शुरू कर दीजिए। ये हज़ारों बीमारियों का इलाज है, आपकी खूबसूरती के लिए, आपकी ताकत के लिए, आपकी एनर्जी के लिए आंवला जूस से अच्छी कोई चीज़ नहीं। इसको लगाना, इसको खाना, इसको पीना, ये हर तरह से फ़ायदा पहुँचाता है। लेकिन इसका जूस जो है ये आपको बहुत ज़्यादा ताकत देता है, आपकी बॉडी के अंदर जो कहना ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील करते हैं। लिहाजा जैसे आंवला फ्रेश आता है तो आपने उसका जूस बना के स्टोर कर लेना है या उसको फ्रीज कर लेना है, वो आप वक्त के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें आपने कम से कम भी 2 से 3 महीने इस्तेमाल करनी है। जब सीज़न नहीं है तो एक चम्मच आंवला सुबह शाम आप जो पाउडर है वो खा सकते हैं, वो भी आपको वही फ़ायदा देगा। एक चीज़ और, जब हम बात करते हैं गोरे रंग के कि हम जब सच जिगर सही से काम नहीं करता तो हम कहते हैं जी हमारा कलर ख़राब हो गया, हमारा कॉम्प्लेक्शन डल हो गया है, अब हम क्या करें। तो जी हम कोई वाइटनिंग ड्रिप लगवा लेते हैं या हम अपना वाइटनिंग इंजेक्शन लगा लेते हैं या कोई वाइटनिंग कैप्सूल्स खा लेते हैं। तो वो सब क्या है, ग्लूटाथायोन जो है हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है, उसकी एक खास क्वांटिटी होती है जो बॉडी के अंदर लिवर जो प्रोड्यूस करता है। अगर वो कम हो जाता है तो स्किन का कलर ख़राब हो जाता है। अगर उसको आप मिकदार बढ़ा देंगे तो आपके ऑर्गन्स को ताकत देने के साथ साथ वो आपके मेलानिन को लाइट करता है और आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है। और जिगर के बहुत सारे अमराज में ग्लूटाथायोन की डोज, डिफरेंट डोज दी जाती है। तो लिहाजा अगर आपके इस तरह का कोई मसला है कि लिवर टॉनिक आपको चाहिए, आपके लगता है कलर ख़राब हो रहा है, आप अपने लिवर को एनर्जी देना चाहते हैं, उसको ताकतवर करना चाहते हैं, तो सिंपल ये आपको रसास वजह से मिल जाएंगे। ये अपना लिवर टॉनिक के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरल वायल्स हैं, इसको आपने पीना है और ये बहुत तेज़ी के साथ, आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत तेज़ी के साथ आपके जिगर को ताकत देता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को आपके जो है ब्राइटन करता है, आपके स्किन को हेल्दी करता है, ओवरऑल पूरे ऑर्गन्स को हेल्दी करता है, लेकिन आपके स्किन का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। लिवर टॉनिक के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई उसकी खास वजह यह है कि जब हमारा लिवर सही नहीं है तो हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन सही से काम नहीं करता है, चाहे वो दिल हो, चाहे गुर्दे हो, चाहे फेफड़े हो, चाहे कुछ हो, सब चीज़ें डाउन होती चली जाती हैं। तो लिहाजा लिवर एक हमारी वो मशीन है जिसका प्रॉपर फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा उसको एक टॉनिक की नीड है। अगर आपको लगता है कि आप खाना खाते हैं तो आपको नौजिया हो जाता है, मतली हो जाती है, खाने आपको भूख नहीं लगती, आप ज़बरदस्ती खाना खाते हैं, खाना आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बनता है, आपके एक अजीब सी बेचैनी रहती है, लाइक आपकी तबीयत मतलाती रहती है, तो उन तमाम चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर से तो कंसल्ट करना है, अपना LFT ज़रूर करवाना है। और अगर सब कुछ सही है, कोई ख़ास मसला नहीं है, थोड़ा बहुत इशू है, तो उसके लिए आपने लिवर टॉनिक इस्तेमाल करना है, जो कि अभी मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए, ये तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उसके साथ साथ जिन लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है उसको फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई ख़ास चीज़ जानना चाहते हैं तो वो ज़रूर आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके साथ ही ये तमाम चीज़ें आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है, किसी को बताना एज अ सदका जारी है, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। इसको इस्तेमाल कीजिए, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए फटाफट जो है आपने बेल आइकन जो है प्रेस करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहिए, खुश रहने दें, अल्लाह हाफिज़।